सो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सुनो बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन के बारे में, जहां पर डेट तो अनाउंस कर दिया गया है किस महीने में होने वाला है ऑक्शन, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल और यहां पर रिटर्न्स प्लेयर की, और यहीं पर बात करेंगे पर्ज बैलेंस, कितने प्लेयर इस ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो फुल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन लें। चलिए आपको बताते हैं कि सीजन 10 का ऑक्शन हमें किस महीने में देखने को मिलने वाला है, किस डेट को देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। जहां पर मसाले स्पोर्ट की तरफ से ऑफिशियली अपडेट या कन्फर्म अपडेट हो चुकी है कि सीजन 10 का ऑक्शन हमें किस महीने में देखने को मिलने वाला है, और यहां पर प्रो कबड्डी की तरफ से भी हमें आपसे ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है कि सीजन 10 का ऑक्शन किस महीने में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं। जहां पर अगर बात कीजिए सीजन 9 की, तो सीजन 9 में हमें ऑक्शन मतलब 5 और 6 अगस्त को देखने को मिला था। और यहीं पर बात करें सीजन 10 की, तो सीजन 10 में हमें सितंबर के महीने में ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि 8 और 9 सितंबर को ऑक्शन हमें होता नजर आने वाला है। यहां पर प्रो कबड्डी के ऑफिशियल हैंडल पर मसाले स्पोर्ट ने भी अनाउंस कर दिया है कि यह कन्फर्म अपडेट है, तो यहां पर यह कन्फर्म अपडेट आ चुकी है प्लेयर ऑक्शन कब होने वाला है। तो सितंबर के महीने में आप जान लीजिए, सितंबर के महीने में 8 और 9 तारीख को देखने को मिलने वाला है प्लेयर ऑक्शन। वहीं पर बात करें कितने प्लेयर इस ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर 500 प्लस प्लेयर नज़र आने वाले हैं इस ऑक्शन में, जो कि 500 प्लेयर हमें नज़र आएंगे इस ऑक्शन में। वहीं पर बात करें कितना पर्ज बैलेंस होने वाला है इस सीजन के लिए, जहाँ पर सीजन 9 में 4 करोड़ 40 लाख का पर्ज दिया गया था सभी टीमों को, तो यहाँ पर उसको भी इंक्रीज करके बढ़ाया गया है, जहाँ पर 4 करोड़ 40 लाख को 5 करोड़ तक कर दिया गया है। सभी टीमों के पास इस सीजन में 5 करोड़ तक पर्ज बैलेंस होने वाला है, जो कि 4 करोड़ 40 लाख का पिछले सीजन में था। वहीं बात करें कितने इंक्लूड प्लेयर हुए हैं इस ऑक्शन में, कितने प्लेयर शामिल हो चुके हैं, यहाँ पर 24 प्लेयर को शामिल कर दिया गया। जहाँ पर फ्रॉम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फाइनलिस्ट टीम थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में, तो यह 24 प्लेयर इंक्लूड हो चुके हैं प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन से पहले ही। यहाँ पर 24 प्लेयर हमें ऑक्शन में कन्फर्म नज़र आने वाले हैं, तो यही अपडेट हमें देखने को मिली है प्रो कबड्डी ऑफिशियल हैंडल पर, और मसाले स्पोर्ट ने इसको अनाउंस किया है। तो यहाँ पर हमें ऑक्शन 2023 का ऑक्शन सितंबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। 8 और 9 सितंबर को यह कन्फर्म अपडेट हो चुकी है और 500 प्लस हमें इस ऑक्शन में नज़र आने वाले हैं। वहीं पर पर्ज बैलेंस भी हमने आपको बताया, जो कि 4 करोड़ 40 लाख का पर्ज दिया गया था पिछले सीजन में, और इसको इंक्रीज करके 5 करोड़ तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपडेट यह कन्फर्म हो चुकी है कि प्लेयर ऑक्शन हमें सितंबर के महीने में 8 और 9 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें स्टार्टिंग डेट की, तो स्टार्टिंग डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है इस ऑक्शन के, मतलब इस ऑक्शन से पता चलता है कि स्टार्टिंग डेट हमें यहाँ पर कन्फर्म अपडेट दिसंबर के महीने में मतलब स्टार्ट होता नज़र आ सकता है, जो कि कन्फर्म अपडेट जैसे ही मिलती है आपको हम वीडियो बनाकर बता देंगे। तो यहाँ पर प्रो कबड्डी स्टार्ट हमें दिसंबर के महीने में हो सकता है स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर यही अपडेट हमें देखने को मिली है प्लेयर ऑप्शन की तरफ से। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।